मैं 2 तारीख को दिल्ली से अपना फाइट खेल के सीधे घर आई थी छुट्टियां मनाने, क्योंकि 2024 में मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां करनी थी। तो उसी दौरान मैं जब घर पे आती हूँ 4 तारीख को, 5 तारीख की को जब 5 तारीख की मॉर्निंग में मैं घर में पूरा रहती हूँ, दोपहर के टाइम अरुण कुशवाहा और उनके कुछ साथी आते हैं, मेरी वीडियो बनाते हैं। मैं उनको मना करती हूँ कि वीडियो आप क्यों ले रहे हैं, तो ये लोग मुझे गालियाँ देना शुरू करते हैं और घर में घुस करके मेरे ताला लगा देते हैं, मारपीट करते हैं और बहुत गंदा व्यवहार करते हैं मेरे से, अभद्रता करते हैं। जो कि मैंने करेली थाना में इन्फॉर्मेशन दे दी 6 तारीख को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उस पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद इतना करने के बाद 8 तारीख को वो मेरे घर में दोबारा से घुसते हैं, घर के कैमरा भी तोड़ देते हैं और फुटेज में सारा रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो मैं जाके दिखाती हूँ थाना में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उस पर 5 लोगों के खिलाफ FIR भी होता है। लेकिन जो 6 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया था उस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि 7 तारीख को ये लोग फिर से मेरे घर आए थे। लगातार ये मेरे घर में घुस करके ताला लगा रहे हैं, घर खाली करने की धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे घर में जो किराएदार रहते हैं उनको धमकियाँ दे रहे हैं लगातार कि घर खाली करो नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे फादर को फर्जी केसेस में फंसा दिया जाएगा। ऑलरेडी मेरे फादर को एक फर्जी केसेस में फंसाया गया जिसमें मेरे फादर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इनका कहना है कि हमारे फादर का कनेक्शन अतीक अहमद से है, तो ये पूरी तरह से झूठ है, असत्य है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अरुण कुशवाहा की जो वाइफ है वो खुद अतीक अहमद के फैमिली की है, वो खुद एक मुस्लिम है उनकी वाइफ, और वो हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हमारा कनेक्शन अतीक अहमद से है। मैं खुला चैलेंज देती हूँ पूरे मीडिया वालों को कि जांच करवा लें, पुलिस को पूरा खुला चैलेंज देती हूँ कि जांच करवाएं। अगर मेरे फादर का कोई भी कनेक्शन अगर अतीक अहमद से निकल जाता है या मेरे फादर किसी भी तरीके के क्राइम या रंगेदारी में अगर सच में है तो मैं खुद उनको खड़े होकर अरेस्ट करवाऊंगी। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे फादर को या मेरे फैमिली को ना परेशान किया जाए। लगातार मेरे गेम पे प्रेशर आ रहा है, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे घर में घुस के मुझे मारा पीटी कर रहे हैं, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं गेम नहीं खेल पा रही हूँ। आप प्लेयर हैं जी, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में महिला अपराध संबंधित अपराधों में रोकथाम की हो रही है, लेकिन आप खिलाड़ी होने के साथ साथ एक महिला है, आपके साथ अभद्रता हो रही है, थाने में सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए तो मैं इसका कंप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल फाइटर हूँ, मैंने देश के लिए अपना झंडा उठा के रखा है, मैं लगातार इंडिया को 4 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड चैंपियन लेवल पे, एशियन लेवल पे, और मेरे मेडल्स भी आए हैं और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मैंने इंडिया की मैं टॉप फाइटर हूँ और मेरे घर में घुस के ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए मैं लोगों तक बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ ऐसी हुई पूरी प्रूफ के साथ। तो अगर नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा होगा तो वो तो शांति बैठ जाएंगे एकदम, कि और ऐसे अपराध का और ज़्यादा ग्रोथ होता रहेगा। इसीलिए मैं इस पर एक्शन तुरंत ले रही हूँ कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे स्टेट का नाम खराब कर रहे हैं या जो ऐसे भू माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ऐसे जो क्राइम करने वाले हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ। खुशबू निषाद।